टेस्टिंग हाँ ठीक है। सो हे गाइस, ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है। सो जैसे आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, आप लोगों को कुछ नहीं पता है तो रिसेंटली मैंने मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया है इग्नू का। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि क्यों, पॉइंट ये है कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी है और यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल मतलब मास्टर से कुछ कम नहीं होगा। तो सोचा कि चलो साथ साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। उसके बाद एक दिन मुझे मेल आया कि चलो बुलावा आया है, आपका बुक जो है वो रीजनल सेंटर ऑफ इग्नू कोलकाता का तो वहाँ पे पहुँच चुका है, आप जाके वहाँ से ले लीजिए। ये इग्नू वाले लोग घर में पार्सल भी नहीं भिजवाते। Never. मतलब ये हुआ कि मुझे बुक्स लेने रीजनल ऑफिस ऑफ इग्नू जाना पड़ेगा। तब मुझे ये ख्याल आया कि अगर मुझे जाना ही है तो व्लॉग बना देते हैं, इस गरीब इंसान को थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से शियालदह मेट्रो से जाना शायद अच्छा होगा, तो मैंने शियालदह मेट्रो ले लिया। ये सब तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये बताओ प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। पहला बात तो ये है कि अभी लग रहा है सबके बीच में फंस गया, फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्रॉब्लम ये है कि SNTCSSC में मैं वीकेंड्स क्लास में जा रहा हूँ बिकॉज उसके अलावा कोई कुछ है नहीं। और सेकंड ये है कि भाई साहब वहाँ पे जो मार्क्स मिल रहे हैं पूछो मत, बस पूछो मत, मतलब लगे पड़े हैं, बस लगे पड़े हैं। एनीवे मेरा स्टेशन आ गया, अब उतरने कब आ रही है। ये जो जगह है ये पूरा मतलब जहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैंडल किया जाता है, तो यहाँ पे दो चार गाड़ियां मतलब गाड़ियां जो है भाई साहब, गाड़ी देख के प्यार आ जाता है, बस प्यार और कुछ नहीं आएगा, प्यार आएगा। दो तीन गाड़ियां मैंने देखा जो डायरेक्टली शो करता है कि IAS का गाड़ी है, सामने पूरा फ्लैग दिया हुआ है IAS का। ओहो हो हो भाई, ओहो हो हो हो। छोड़ो, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने सोचा था ये मास्टर्स का बुक है, कितना ही है मतलब, तो मैंने सोचा था चार सेक्शन के चार बुक हो जाएंगे, आराम से घर में लेके आ जाऊंगा, एक बैग काफी है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई साहब चार बुक तो छोड़ो, 9 बुक पकड़ा दिया उन लोगों ने, 9 बुक। स्कूल वाला फीलिंग आ रहा था, जिंदगी में स्कूल के बाद इतना भारी वजन लेके मैंने घर पे कभी नहीं आया, सच बता रहा हूँ। कंधा तो मेरा कंधा बोला कि हम जाते हैं भाई साहब, आप खुद संभाल लो। तो मैंने सोचा अभी शियालदह स्टेशन में जब आ ही गए हैं तो
मिनी रत्ना की कोई कंपनी से ही खा लेते हैं, सस्ता में अच्छा पड़ जाएगा। तो चला गया मैं IRCTC। एक्स्ट्रा चिकन बिरयानी और 100 रुपये में पूरा बिरयानी कटक लिया। मुझे मिला लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन, मतलब यहाँ पे भी खड़े होकर जाना पड़ेगा, दोपहर के टाइम में शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रेन नहीं है, तो सफर करो, हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर। और बिरयानी खाने के बाद ना एक अंदर से एक ऐसा फील आता है ना कि कुछ ठंडा हो जाता ना, तो मतलब निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और एक अनाउंसमेंट भी करना है, ये जो वीडियो है ये अक्टूबर का वीडियो है, अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं एडिट कर पाऊँ। समझ आ रहा है, दुख समझ पा रहे हो मेरा, दर्द दर्द। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। So please sab sab kara sara kabar sabara karai sara sara kab whatever please sab sara I want to reach 1,000,000 likes so please sara sabara sara pakara sara pakara sara pakara sara pakara sara pakara okay thank you।